हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लाई हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आयुसास के अडोसा कफ सिरप के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा और बहुत इफ़ेक्टिव कफ सिरप है, आयुर्वेदिक है, तो इसको आप ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और प्रिस्क्रिप्शन की भी इसमें ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको घर में ले सकते हैं। ये सूखी गीली दोनों भी खांसी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसका जो ट्रिपल एक्शन फार्मूला है, ये आपके गले में जो खराश होती है इसको ठीक करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, और सबसे अच्छी और बड़ी बात ये है कि ये नॉन अल्कोहलिक है। इसे लेने से ना आपको नींद आएगी और ना आपको चक्कर आएंगे, ना इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसे आप बिंदास्त ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आपकी जो भी जमी हुई कफ होती है गले में, तो इसको ये पतला करने का काम करता है। तो जैसे ही कफ हमारी पतली होती है, तो खांसी के थ्रू, थूकने के थ्रू ये निकल जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे सांस लेने में हमको प्रॉब्लम नहीं होती और गला साफ हो जाता है। इससे धीरे धीरे करके पूरी खांसी जो है कफ के रास्ते से आपकी बाहर निकल जाती है, तो खांसी में बहुत जल्दी आराम आपको मिल जाता है। और इसके डोसेज फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्टर के पूछने के हिसाब से लेते हैं, तो आपको डॉक्टर के पूछने के हिसाब से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो इस तरह की कैप दी हुई होती है, तो बच्चों में आप इसको 5 ml दे सकते हैं दिन में 2 बार, ठीक है। और बड़ों में आप इसको 10 ml दे सकते हैं दिन में 2 बार। लेकिन अगर किसी भी तरह से आपको इसका प्रॉब्लम दिखे, इफ़ेक्टिव मतलब जो साइड इफ़ेक्ट दिखे, जैसे चक्कर आना, जी मचलाना, इस तरह का कुछ भी आपको लगे ना, तो इसको तुरंत बंद कर दीजिए। 99% ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप इसे तुरंत बंद कर दीजिए, ठीक है। और कोई भी दवाई, मैं तो हमेशा अपने चैनल्स पर आपको बताती रहती हूँ कि कोई भी दवाई जब भी आप ले, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ले। बहुत सारे डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो अपने मन से लेने से अच्छा है कि आप डॉक्टर को पूछ कर ले। डॉक्टर को पूछ कर कोई भी दवाई लेने से कभी भी कोई हार्म नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको डॉक्टर को पूछ कर ही ले। तो फ्रेंड्स, इसको ठंडी और सूखी जगह पर आपको रखना है। इसकी कैप अगर आपने ओपन कर दी है, तो फिर आपको इसको बहुत ज़्यादा दिन तक, मतलब आपकी चल रही है महीनों भर, तो ऐसे मत करना कि हो जाए। इसका कोर्स जल्दी से जल्दी आप पूरा कर लीजिए, 8 दिन 10 दिन, और 8-10 दिन से ज़्यादा भी अगर इसकी खांसी आपकी नहीं थम रही है, रुक नहीं रही है, कोई इफ़ेक्ट नहीं नज़र आ रहा है, तो आप इसे बंद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इसमें जो भी कंटेन यूज़ किए हुए, ये बिल्कुल हर्बल कंटेन है, आपको कोई हार्म नहीं होने वाला। इसमें तुलसी यूज़ की है, कंटक है, हल्दी है, यष्टि मधु है। यष्टि मधु मतलब वो ज्येष्ठ मध भी कहते हैं, जिसकी पाउडर खांसी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आयुर्वेद में। तो फ्रेंड्स, टोटली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। सो अगर फ्रेंड्स, इसके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे देखे गए हैं, इसकी MRP 65 rupees है। अगर आप इसको कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, किसी भी केमिस्ट के दुकान में ये आपको आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और नॉलेजेबल लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल पर, सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।